हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बहनों, अगर आप लोग भी पोषण ट्रैकर ऐप पर पूरे महीने एक एक दिन मेहनत करके पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करती हैं और पोषण ट्रैकर ऐप पर पूरे महीने काम करने का नतीजा आप लोगों को ये मिलता है कि जो आप लोगों को 500 रुपये भारत सरकार के द्वारा और हर आंगनबाड़ी सेविका को पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करने के लिए दी जाती है, जो प्रोत्साहन राशि आप लोगों को 500 रुपये दी जाती है, वो प्रोत्साहन राशि आप लोगों की उस महीने 0 हो जाती है। तो आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप पे कौन सी गलती करती हैं जिसके वजह से आप लोगों का जो 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि है आप लोगों के अकाउंट तक नहीं पहुंच पाती है? ऐसे आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करना है ताकि जो आप लोगों का 500 रुपये प्रोत्साहन राशि है आपके खाते में क्रेडिट हो जाए। कौन सी गलती है जो आप लोगों को नहीं करनी है, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जितने भी आंगनबाड़ी सेविका बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से आंगनबाड़ी सेविका हो सकती हैं, वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप से आसानी से जो है 500 रुपये जो भारत सरकार के द्वारा आप सभी को काम करने के लिए दी जाती है वो आपके अकाउंट में इजीली क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के आप लोगों को इस वीडियो में वो सारी चीजें सिखाता हूँ। पोषण ट्रैकर ऐप की जो सारी रूल है वो आप लोगों को फॉलो करने होंगे, तभी जो है आप लोगों को 500 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो आप सभी को मिलेगी। अगर इसमें से अगर कोई भी आप लोग एक गलती कर देती है तो आप लोगों को 500 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो आप सभी को नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नई आई हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमें हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लोग 500 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो प्राप्त करना चाहती हैं और बहुत से आंगनबाड़ी सेविका बहनें जो है वो कहती हैं कि हमें 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाती है, जिसके वजह आप लोगों को आगे की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये आंगनबाड़ी सेविका के अकाउंट में जो है 1000 रुपये यहाँ पे क्रेडिट किए गए हैं, वो 2 महीने के पोषण ट्रैकर ऐप पे काम करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग भी हर महीने जो है वो 500 रुपये प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा कि आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप का जो रूल है उसको समझना होगा। तो रूल क्या है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए कि पोषण ट्रैकर ऐप पे अगर आप लोगों को 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि लेनी है तो आप लोगों को फर्स्ट रूल यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और इसको फॉलो आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप पर यह है कि आप लोगों का जो यहाँ पे डेली ट्रैकिंग दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे हम डेली ट्रैकिंग को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप लोगों की आंगन ओपन करने के बाद आप लोगों का जो यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र की स्थिति है, यानी कि आप लोग जो पोषण ट्रैकर ऐप में अपना आंगनवाड़ी केंद्र को ओपन करते हैं वो आपका 21 दिन से प्लस ओपन होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए पहला रूल आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों का जो आंगनवाड़ी केंद्र है वो 21 दिन से लेकर 25 दिनों तक आप लोगों का जो है आंगनवाड़ी केंद्र ओपन होना चाहिए। पोषण ट्रैकर ऐप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो है AWC फोटो अपलोड जो है आप लोगों को प्रतिदिन करना है। जितने दिन आप लोगों का आंगनवाड़ी केंद्र ओपन रहेगा यहाँ पे आप लोगों को डेली जो यहाँ पे एक्टिविटी की फोटो है वो आप लोगों को कैप्चर करके अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को बच्चों की उपस्थिति और HCM सुबह का नाश्ता जो है वो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट रखनी है। हर रोज यहाँ पे बच्चों की उपस्थिति लगानी है, सुबह का स्नैक्स और जो HCM का जो आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उस चीज को भी आप लोगों को अपडेट रखनी है। ठीक है, इस चीज के लिए जो है बच्चों के अटेंडेंस, सुबह का स्नैक्स और जो आप लोग यहाँ पे HCM भरती है उसके लिए जो है आंगनबाड़ी सहायिका को आपके काम के द्वारा जो सहायिका को भी 250 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है उनको दी जाती है, क्योंकि बच्चों को बुलाना, बच्चों को खाना, बच्चों के लिए खाना बनाना, बच्चों को खाना खिलाना जो है सहायिका का काम होता है। तो उसी चीज के लिए जो है 250 रुपये सहायिका को भी आप लोगों के ही काम के अनुसार दिया जाता है। अगर आप लोग ये काम नहीं करेंगी तो सहायिका का जो है 250 रुपये की इंसेंटिव राशि नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो अगर हम जो है पोषण ट्रैकर ऐप पे 21 दिन से प्लस जो है अपना आंगनबाड़ी केंद्र को ओपन दिखाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे रूल के बारे में। तो दूसरा रूल आपका ये है कि पोषण ट्रैकर ऐप पे जो बच्चों की आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं करना है कि पोषण ट्रैकर ऐप पे जितने भी बच्चे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देंगे
ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए, वो हर बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है आप लोगों को 80% कम से कम करना है, ठीक है। ये आप लोगों का दूसरा रूल है कि जो बच्चों को आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर किए हुए हैं और जिनका यहाँ पे ग्रोथ मॉनिटरिंग दिखाएगा कि इस महीने इस बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है, तो सभी बच्चों का करते हुए आप लोगों का जो है 80% कम से कम यहाँ पे बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है। 80% से आप लोग ज़्यादा भी कर सकती हैं, ठीक है। 80% से कम आप लोग अगर बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग करती हैं तो आप लोग इस चीज़ के लिए इलिजिबल नहीं हो पाएंगे, यानी आपका जो पैसा है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और पोषण ट्रैकर ऐप पे जब आप बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगी तो इसके लिए भी एक रूल है कि आप लोगों को महीने के प्रथम सप्ताह में जो है बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। 1 से लेकर 7 तारीख के बीच आप लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकती हैं। बाय द वे, किसी कारणवश अगर आप लोग 1 से 7 तक जो है 80% बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग नहीं करती हैं तो आप लोगों के पास अभी तक टाइम होता है कि 15 तारीख से पहले जो है 80% आप लोगों को ग्रोथ मॉनिटरिंग कर लेनी है हर हाल में। अगर 15 तारीख के बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग 80% कंप्लीट करती हैं तो फिर आप लोगों को इस चीज़ के लिए पैसे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तीसरा तरीका जो बताने वाला हूँ जो इस चीज़ के लिए लागू होती है कि पोषण ट्रैकर ऐप पे जो है काम करने के लिए ये भी आप लोगों को करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो तीसरी बात जो है यहाँ पे आप लोगों को ध्यान, जो आप लोगों को होम विजिट दिया जाता है पोषण ट्रैकर ऐप में, जैसे कि गर्भवती महिला, धात्री महिला और जो 0 से लेकर 2 वर्ष के बच्चे होते हैं जिनको आप लोग होम विजिट करती हैं, तो उनका भी होम विजिट जो है वो कम से कम 60% जो है आप लोगों का होम विजिट होना चाहिए पोषण ट्रैकर ऐप पे, तभी आप लोग इस चीज के लिए इलिजिबल होंगे। 60% 60 ग्रोथ मॉनिटरिंग कम करती हैं तो आपका पैसा उस महीने जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 60% से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप पे जो बच्चों का होम विजिट है वो करना है। जिस महीने आप लोगों को यहाँ पे होम विजिट दिखाई दे उसमें आप लोगों को कोई भी पेंडिंग वगैरह नहीं रखनी है, सभी का यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, जैसा कि इस प्रकार से आप लोगों को कंप्लीट जो है वो दिखाएगा, यहाँ पे जीरो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे इस चीज के लेना होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगले पॉइंट के बारे में, जो आप लोगों का चौथा पॉइंट है वो है आप लोगों का यहाँ पे चौथा पॉइंट इवेंट, यानी कि इवेंट भी आप लोगों को हर महीने करने होते हैं। 2 इवेंट आप लोग करती हैं, जैसे कि सीबीई में अन्नप्राशन दिवस और गोदभराई दिवस, तो अन्नप्राशन दिवस और गोदभराई दिवस भी आप लोगों को हर महीने जब भी आप लोगों के आंगनबाड़ी केंद्र पे ये इवेंट पड़े उसको आप लोगों को उसी दिन जो है आके यहाँ पे सबमिट कर देनी है कि आज हमने जो है गोदभराई दिवस, अन्नप्राशन दिवस जो भी आपने किया है उस चीज को आके यहाँ पे आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं बात, पॉइंट जो है वो दिया गया है एक और रूल आप लोगों को इसी में फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे जब VHSND होता है, यानी जब आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे टीकाकरण की एंट्री जब आप लोग करते हैं तो इसको भी आप लोगों को हर महीने जब भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे VHS डेट होती है उस डेट को आकर यहाँ पे आप लोगों को टीकाकरण की जो एंट्री है इस पे आप लोगों को क्लिक करके यहाँ पे कितने लोग मौजूद थे वो सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे आके भर देनी है, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग 6ठे नंबर पॉइंट पे। तो 6ठा नंबर पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि पोषण ट्रैकर ऐप में आप जितने भी लाभार्थियों को लाभ देते हैं, जैसे कि THR की एंट्री अगर आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में हर महीने नहीं करती हैं तो इसके लिए भी आप लोगों का जो प्रोत्साहन राशि है वो जीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को हर महीने जो है जिन लाभार्थियों को आप THR देती हैं तो THR की एंट्री भी आप लोगों को हर हाल में करनी होती है। जिस दिन आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर THR वितरण हो जाती है उसके बाद आपको यहाँ पे आके जो है लाभार्थियों को THR हमने दे दिया है उसकी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को भरनी होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को पोषण ट्रैकर काम करने के लिए दिए गए हैं। अगर आप इन सभी रूल को फॉलो करके काम करती हैं तो हर महीने जो है आप लोगों को 500 रुपये जो आंगनबाड़ी सेविका की प्रोत्साहन राशि है वो आपके क्रेडिट कर दिए जाएंगे, साथ ही साथ 250 रुपये की जो प्रोत्साहन राशि है वो आपके साथी सहायिका को भी भेज दिए जाएंगे उनके खाते में। तो इस प्रकार से आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप पे इन सारे रूल को फॉलो करके आप लोगों को काम करना है, ठीक है। तो इस वीडियो तो यहाँ तक पहुँच पाई हैं वीडियो देखते हुए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब हर महीने जो है वो 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि आप सभी को मिलने वाली है। जो आंगनबाड़ी सेविका वीडियो को स्किप करके चली गई हो उनको फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी और वो कमेंट करके पूछेंगी कि हमें जो है 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, इसके लिए क्या करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ,
जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने आंगन भाई बहनों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है पोषण ट्रैकर ऐप पे मेहनत करके जो अपना पैसा है वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करा सके। ठीक है, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को सारी टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी सेविका बहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।